हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में पार्किंग स्टडीज के बारे में और एक्सीडेंटल स्टडीज के बारे में। पार्किंग स्टडीज में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के पार्किंग होते हैं, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है। और हम लोग एक्सीडेंटल स्टडीज में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो एक्सीडेंट्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको हम लोग किस तरह से काउंटर करते हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, इंजीनियरिंग मेथड्स होते हैं, तो वो किस तरह से उसको अप्लाई किए जाते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ प्रेशर्स के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग ग्रेजुअली अपने नेक्स्ट वाले यूनिट की ओर मूव करेंगे। अब पार्किंग स्टडीज क्या होता है, तो आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग जब पढ़ रहे होते हैं तो आपका पर्पस होता है कि ट्रैफिक के स्मूथ मूवमेंट को आप किस तरह से इंश्योर करेंगे। उसके लिए आप रोड के मार्किंग्स वगैरह यूज करते हैं, फिर आपको रोड ट्रीज होते हैं, आपको इंटरसेक्शन एट ग्रेड होते हैं, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन होते हैं। इन सारे का पर्पस होता है ट्रैफिक को इफिशियंटली मूव करना। लेकिन इफिशियंटली मूव करने के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी होता है कि किस तरह से आप अभी अगर आप एक किसी भी एरिया का अगर आप उसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे डेवलप करने के कॉन्सेप्ट को, तो एक एरिया डेवलप कब होता है, जब उसमें पॉपुलेशन ज्यादा आती है, एंटर करती है। अगर आप सुबह ऑफिस आवर्स में एक एरिया में एक पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होता है और शाम में जब ऑफिस आवर जब खत्म हो जाता है और तब जब एरिया जब वापस वहां से पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाता है, इसका मतलब है कि वो एक प्लेस है, एक जोन है जहां पे आपको सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से आपको बिजनेस डील्स हो सकता है। तभी वहां ज्यादा लोग ऑक्यूपाई हो रहे हैं एक टाइम पे और फिर वहां से जब दिन खत्म हो रहा है तो निकल जा रहे हैं। तो वो जो एरिया है, जिस उस एरिया को आपको डेवलप करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वहां इतने रिसोर्सेज हो कि आपको हर तरफ से लोग जो है वो उस तरफ खींचे चले आए, तो उसको हम लोग कहते हैं मार्केट एरिया। मार्केट एरिया का पर्पज ये होता है कि यहाँ सारे लोग हर तरफ से आएंगे, एक्यूमुलेट होंगे, यहाँ बिजनेस डील्स होंगे, यहाँ कैश का फ्लो होगा और फिर आपको शाम होते होते वहां से लोग अपने अपने घरों की ओर चले जाएंगे। तो वो जो मार्केट प्लेस होता है वहां पे आपको ये इंटरसेक्शन एट ग्रेड, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, इन सब का कॉन्सेप्ट वहां नहीं होता है, रोटरीज वहां नहीं होते हैं, क्योंकि मार्केट प्लेस का मतलब ये कि वो क्राउडेड प्लेस होगा। वहां ट्रैफिक आपको उस पर डिजाइन स्पीड का रिक्वायरमेंट नहीं होगा कि 80 पे चलेगा या 100 पे, वहां बस ट्रैफिक का मूवमेंट स्मूथ होता रहे, यही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जब हम लोग इस मार्केट प्लेस की बात करते हैं, जब हम लोग क्राउड्स की बात करते हैं, तो यहाँ इंपॉर्टेंट आता है आपका पार्किंग स्टडीज, कि आप मार्केट प्लेस में पार्किंग आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आएगा, जब आप किसी क्राउडेड एरिया में रहेंगे। अगर आप किसी खाली एरिया में रहेंगे, अबेंडेंड एरिया में जहां पे आपको बहुत स्पेस है, तो वहां फिर आपको पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन पार्किंग का प्रॉब्लम होगा ही आपको मार्केट प्लेस में। तो मार्केट प्लेस में आपको ये इंश्योर करना होता है कि किस तरह से रोड के विथ के अकॉर्डिंगली ही आपको मार्केट में पार्किंग्स अवेलेबल किए जा सकते हैं, उसमें क्या क्राइटेरियाज होंगे, कितने स्पेस रिक्वायरमेंट होंगे, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पीक आवर में एडजस्ट हो जाएंगे, ये सारी चीजें आती है आपको पार्किंग स्टडीज के अंदर। अब पहले पार्किंग कितने टाइप का होता है ये हम लोग समझ लें, उसके बाद ही हम लोग एक एक करके डिटेल में बात कर पाएंगे कि हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं। तो पार्किंग आपको होता है दो टाइप का, पहला होता है आपको ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, दूसरा होता है आपको ऑन स्ट्रीट पार्किंग, जिसको हम लोग कहते हैं कर्व पार्किंग। अब ये दोनों क्या होता है, तो ऑफ स्ट्रीट पार्किंग होता है वो पार्किंग जिसमें आप रोड के विथ को यूज में नहीं लाते हैं। अगर आपका एक फोर लेन रोड है और वो मार्केट के बीच से जा रहा है, तो ये आपका टू लेन है यहाँ और ये भी आपका टू लेन है, तो ये फोर लेन को अगर आप छोड़ करके इसके अलावा आप कहीं साइड में अगर आपको स्पेस प्रोवाइडेड है या फिर आपको एक प्लॉट प्रोवाइडेड है या फिर आपको एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग प्रोवाइडेड है और उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ही आपको कार की पार्किंग वगैरह अवेलेबल है, तो ये सारी चीजें जब आप इस कैरिज वे को आप छोड़ देते हैं और कैरिज वे के बाद या फिर आप कहें कि आपका जो पेवमेंट होता है कंप्लीट, जब आप उस कंप्लीट रोडवे को आप छोड़ देते हैं और साइड में आप जब कभी पार्किंग का फैसिलिटी लगाते हैं, तो वो होता है आपको ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। इसका मतलब ये कि स्ट्रीट को छोड़ करके, और जब आप स्ट्रीट के अंदर ही, अब यहाँ पे आपका शोल्डर्स होता है, तो शोल्डर आपको यहाँ पे माउंटेबल कर्व्स लगे होते हैं, यहाँ पे भी आपको माउंटेबल कर्व्स लगे होते हैं, फिर उसके बाद आपको इस शोल्डर का जो विथ होता है ये आपको अगर थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा अगर हुआ, तो फिर आप क्या करते हैं कि या तो इसके ऊपर में ही आपका व्हीकल आकर के पार्क होगा या फिर आप इसको इस तरह से क्लाइम करके आपका एक व्हील ऊपर और एक व्हील नीचे रहेगा। इस तरह से आप जब पार्किंग यूज करते हैं तो वो कहलाता है आपको ऑन स्ट्रीट पार्किंग, मतलब आप स्ट्रीट का ही थोड़ा सा पोर्शन को कि आपका बाकी यहाँ पे मूवमेंट आपका व्हीकल का होता रहेगा, यहाँ पे भी आपका मूवमेंट होगा बट थोड़ा सा स्पेस इस रोड का आपको पार्किंग के पर्पज में काम आ जाएगा। तो इस तरह का, या फिर अगर आपका ये एक रोड है
और ये आपका फोर लेन है, ये आपका फोर लेन रोड है। तो यहाँ पे ही आप साइड में अपने व्हीकल्स को पार्क कर रहे हैं और बाकी आपको इधर का जो प्लेस है ये आपको मूवमेंट हो रहा ट्रैफिक का, और फिर यहाँ पे भी आपका व्हीकल पार्क किया हुआ है, ये रोड विथ के अंदर ही आता है। अगर ये आपका 7.5 है तो ये 7.5 के अंदर में ही आपका पार्किंग भी हो रहा है और आपको ये मूवमेंट भी हो रहा है। तो इस तरह से जब आपका होगा, जब आपके स्ट्रीट के ऊपर ही पार्किंग होगा तो वो कहलाएगा आपका ऑन स्ट्रीट पार्किंग। तो इसको हम लोग कहते हैं कर्व पार्किंग भी। जब हम लोग कर्व्स पढ़ रहे थे उसमें हम लोग जब माउंटेबल कर्व्स पढ़े थे तो उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि जिस कर्व्स के ऊपर आपको व्हीकल क्रॉस कर जाए और उसके ऊपर इमरजेंसी सिचुएशन में या तो पार्किंग करे या फिर मूवमेंट करे तो वैसा कर्व कहलाता है लो कर्व या माउंटेबल कर्व। तो वो जो माउंटेबल कर्व होता है वैसा अगर है और उसको यूज करके अगर आप पार्किंग लगाएंगे तो वो पार्किंग कहलाता है आपको कर्व पार्किंग। ठीक है, तो अब जो आपका ऑफ स्ट्रीट पार्किंग है ये भी दो टाइप का होगा। ये होगा आपको, पहला होगा आपको सरफेस पार्किंग और दूसरा होगा आपको मल्टी फ्लोर पार्किंग। अभी हम लोग इन दोनों के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि सरफेस पार्किंग का मतलब कि अगर आपके रोड्स के बाहर अगर आपको एक बैरन लैंड है या फिर एम्प्टी लैंड है जो गवर्नमेंट का है या फिर अगर वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उन्होंने क्या किया कि इसमें बहुत बड़ा प्लॉट है और बहुत ही चीप एरिया है, मतलब इतना चीप है वो कि आप उसमें आप पार्किंग ही सिर्फ बना सकते हैं और वो आपको वर्थ हो जाएगा उसका, तो फिर आप क्या करते हैं कि रोड के किनारे ही आपके एक बहुत बड़ा ऐसा इस तरह से ग्राउंड बना रहता है और इसमें ही आपके व्हीकल्स इस तरह से पार्क किए रहते हैं। तो इस तरह का पार्किंग जब आपको एक बहुत बड़े प्लॉट में होगा तो ये आपको कहलाएगा सरफेस पार्किंग, मतलब आप ग्राउंड सरफेस पे ही आपने सारे व्हीकल्स पार्क कर रहे हैं और यहाँ पे इसका एक एग्जिट गेट होगा, इससे ये आपको सीधे रोड्स पे आके कनेक्ट हो जाएगा, तो ये कहलाएगा आपको सरफेस पार्किंग। दूसरा होगा मल्टी फ्लोर पार्किंग जो बहुत बड़े बड़े सिटीज में होता है, जहां पे आपको अगर आपका 125 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट का भी लैंड है तो वो बहुत ही प्राइस कॉस्टली होता है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत बड़ा प्लॉट नहीं ले सकते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटे प्लॉट में हम लोग क्या करते हैं अलग अलग लेवल्स के हम लोग एक बिल्डिंग बना लेते हैं और वो बिल्डिंग आपको कंप्लीट पार्किंग बिल्डिंग होता है। तो इसमें आप या तो मैनुअल मेथड से, मतलब या तो आप रैंप के थ्रू ड्राइव करके या फिर आप ऑटोमेटिक अपने मैकेनिकल मेथड से आप अपने व्हीकल्स को अलग अलग फ्लोर्स पे पार्क कर सकते हैं और आपको ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट होता है वो बाहर आने के लिए। तो ये कहलाएगा आपको मल्टी फ्लोर पार्किंग। ये तब यूज करते हैं जब लैंड आपको कॉस्टली होगा या फिर आपको स्पेस रिक्वायरमेंट जो है वो अवेलेबल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो उस केस में आप क्या करते हैं कि आपको सिर्फ ये स्पेस अवेलेबल था इसको ही आप मल्टी फ्लोर बना लेते हैं, तो इससे आपको ज्यादा व्हीकल्स एडजस्ट हो जाते हैं इतने ही एरिया में। और जब आपको लैंड बहुत चीप हो या फिर स्पेस आपको बहुत अवेलेबल हो तो उस केस में ये बनाने का जो कॉस्ट होगा वो आपका सेव हो जाएगा, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर ही आप अपने फील्ड्स बना करके आप उसमें पार्किंग कर सकते हैं, तो ये कहना जाएगा आपको सरफेस पार्किंग। तो ये तो हुआ आपको ऑफ स्ट्रीट पार्किंग का दो टाइप। जब आप ऑन स्ट्रीट पार्किंग में आते हैं तो एक होता है आपको पैरेलल पार्किंग और दूसरा होता है आपको एंगल पार्किंग। अब ऑन स्ट्रीट पार्किंग क्या होता है, जो हम लोग रोड के ऊपर कुछ पोर्शन को हम लोग यूज करते हैं पार्किंग के लिए, मतलब है कि जो आपका टोटल कैरिज वे जो आपको मूवमेंट के लिए होता है वो टोटल कैरिज वे आपको मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा पोर्शन आपको पार्किंग के लिए अवेलेबल होगा। तो अब इसमें जो दो टाइप है, एक पैरेलल है एक एंगल है, तो पैरेलल पार्किंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ आपको डिफरेंट इमेजेस बने हुए हैं। इसमें आप देखेंगे कि अगर आपका ये एक रोड है, इसको हम इस तरह से डिवाइड कर लें, ये कंप्लीट ड्राइंग नहीं है, ये इस तरह से अगर आपका एक रोड है इसमें आपको पार्किंग भी करना है मूवमेंट भी करना है, तो यहाँ पे आपको अगर ये इस तरह से लेन्स में डिवाइडेड है तो आप इधर के एक लेन्स को अगर आप पार्किंग के लिए बना दे और ऐसा पार्किंग जो आपको रोड के डायरेक्शन में पैरेलल हो, तो आपको मतलब है कि ये कर्व है आपका, ये इसके बाद आपका यहाँ से शोल्डर है, तो इस कर्व के अगर आपके पैरेलल में अगर आपका व्हीकल्स अगर पार्क हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका पैरेलल पार्किंग। तो अब आपका ट्रैफिक मूवमेंट इधर से हो रहा है और इधर का ट्रैफिक मूवमेंट इधर से हो रहा है, तो जब इधर से हो रहा है तो ये एक लेन आप पार्किंग के लिए लगा देंगे तो बाकी लेन से आपके यहाँ व्हीकल मूव करेंगे, ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हैं, और जो ग्रीन वाले हैं वो जो है आपको पार्क्ड व्हीकल्स है। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी व्हीकल को पार्किंग करना है तो वो यहाँ से ही थोड़ा पीछे से ही अपना डायरेक्शन जो है वो इधर चेंज कर लेगा, तो वो पार्किंग लेन में चला जाएगा, फिर वो अपने स्पेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने व्हीकल को स्टॉप कर लेगा, और जिनको स्ट्रेट मूव करना है जिनको पार्किंग नहीं करना है वो सीधा चले जाएंगे, तो वो राइट साइड वाले लेन से स्ट्रेट मूवमेंट हो जाएगा। तो ये आपको जब क्राउडेड प्लेस होता है और इधर आपको मार्केट शॉप्स बने हुए हैं और आपको अब स्पेस और नहीं है ऑक्यूपाई करने के लिए, तो उस केस में आप ऐसा वाला पार्किंग को यूज करते हैं।
क्योंकि अब आप मार्केट प्लेसेस को नहीं तोड़ सकते हैं और आपको गवर्नमेंट को सिर्फ इतना ही लैंड अगर उसमें अवेलेबल है तो उसमें ही उनको ये एडजस्ट करना पड़ता है कि इसका जो हम लोग व्हीकल का विड्थ पढ़े थे, हम लोग जब ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टार्ट किए थे तो उसमें हम लोग मैक्सिमम डायमेंशन के बारे में पढ़े थे कि लेंथ का और विड्थ का। तो मैक्सिमम विड्थ के बारे में आप पढ़ेंगे कि 2.5 मीटर ही किसी भी व्हीकल का मैक्सिमम विड्थ होता है। तो ये 2.5 मीटर का जो स्पेस है ये रखा जाता है आपको पैरेलल पार्किंग में, क्योंकि इसमें अगर आपको ट्रक्स पार्क होंगे या बसेस पार्क होंगी या कार्स भी पार्क होंगे तो उसका मैक्सिमम विड्थ जो है वो 2.5 है। तो अगर आपको 3.75 का अगर आपको एक सॉरी ये जो एक होता है अगर आपको 7 मीटर का आपका ये टोटल लोड है तो इसमें से 2.5 का आपका ये पार्किंग हो जाएगा, जो रेस्ट आपका 4.5 रहा उस 4.5 में आपको बाकी व्हीकल्स का मूवमेंट होगा। ठीक है, अब पैरेलल पार्किंग में भी दो टाइप्स हो जाते हैं। एक जब आप व्हीकल्स सारे व्हीकल्स के बीच में आप इक्वल डिस्टेंस रखते हैं, मतलब आपके व्हीकल के पीछे भी थोड़ा डिस्टेंस होगा आगे भी थोड़ा डिस्टेंस होगा और वो आपको इक्वल होगा सारे व्हीकल्स में। अगर ये टोटल 100 मीटर का लेन है तो उस 100 मीटर में आपको जितने भी इंटरवल्स है आप इक्वल होंगे सारे, तो वो आपको एक टाइप का पैरेलल पार्किंग हुआ। दूसरा क्या होता है कि जिसमें आप दो व्हीकल्स को एक साथ आगे पीछे क्लोज स्पेस करके रखते हैं और उनके पीछे और आगे आप गैप छोड़ देते हैं। कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही लगेगा लेकिन पार्क करने के मेथड्स में चेंज आता है। अब आप यहाँ जब दो व्हीकल आपके एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज सटे हुए हैं तो इसके आगे भी स्पेस है पीछे भी स्पेस है, तो अगर इस व्हीकल को निकलना है ये आगे वाले स्पेस से निकल जाएगा इस तरह से, अगर पीछे वाले को निकलना है तो वो थोड़ा बैक करके पहले पीछे आएगा और फिर वो आगे इस तरह से निकल जाएगा। तो इस तरह का भी पार्किंग आपको पैरेलल पार्किंग में काउंट होता है और इस तरह का पार्किंग भी आपको पैरेलल पार्किंग में काउंट होता है। ये आइडियल कंडीशन होता है क्योंकि इसमें सारे व्हीकल को इक्वल स्पेस अवेलेबल है, तो अगर सारे का हम लोग ड्राइवर का जो स्किल लेवल है उसको हम लोग एक जैसा माने तो सबको इक्वल स्पेस अवेलेबल है। इस केस में क्या होगा कि जिस पर्सन को अगर बैक करने में प्रॉब्लम है और उसकी व्हीकल अगर पीछे लगी हुई है तो इसमें उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा व्हीकल निकालने में। तो इसके लिए अगर जिसको यहाँ पे जो पीछे व्हीकल जिसका लगा हुआ है इसको हम व्हीकल वन कर दे इसको व्हीकल टू कर दे तो वन वाले को तो आगे से डायरेक्टली निकाल लेना ये ईजी है, लेकिन टू वाले को व्हीकल बैक करके निकालने में प्रॉब्लम होगा तो वो क्या करेगा ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा व्हीकल को बैक करने में और हो सकता है वो व्हीकल यहां तक बैक करेगा। तो कर्व से लेकर के ये जो डिस्टेंस वो लेगा क्योंकि इधर से मूवमेंट हो रहा है, अगर हम यहाँ से इस तरह से लेन बना दें तो इसका मतलब है कि इसी में हम एग्जांपल लें तो यहाँ से ये व्हीकल आपको पार्क है, इसको कहा जाए कि अगर बैक करके निकालिए तो हो सकता है कि ये बैक करके निकालने में टोटल यहाँ पे आ जाए व्हीकल, तो इधर से जो आपको व्हीकल आ रहा होगा जिसको जाना है स्ट्रेट उसको पहले स्टॉप होना पड़ेगा, फिर ये अपने व्हीकल को निकालेगा ऐसे वाले पार्किंग के केस में ये अपने व्हीकल को बैक करके निकालेगा और फिर आगे जाकर बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको ये जो टोटल डिस्टेंस जो आपको रिक्वायर्ड हो रहा है व्हीकल को पार्क किए हुए से होने से लेके आपको बाहर मेन रोड में मूवमेंट पे लाने तक ये स्पेस आपका कहलाता है मैन्यूवर स्पेस। मैन्यूवर स्पेस मतलब आपके टोटल आपको जो वर्किंग स्पेस चाहिए अपने पार्क व्हीकल्स को बाहर निकालने के लिए। तो आपको पैरेलल पार्किंग में सबसे कम मैन्यूवर स्पेस लगता है क्योंकि व्हीकल पहले ही डायरेक्शन में एक सेम डायरेक्शन में ही प्लेस किया हुआ रहता है, तो आपको या तो उसको फ्रंट से निकालना है इस टाइप के पार्किंग में या इसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों से निकालना है। तो ओवरऑल जो इसमें मैन्युअल स्पेस जो आपको रिक्वायर्ड होता है वो होता है 6.2 मीटर, वो यहाँ बोर्ड पे शो किया हुआ है ये 6.2 मीटर इस तरह के पार्किंग में। तो मतलब है कि 2.5 मीटर का आपको पार्किंग स्पेस प्रोवाइडेड है और उसमें आपको 6.2 मीटर आपको रिक्वायर्ड होगा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम डायमेंशन है, हो सकता है आपको इससे कम ही रिक्वायर्ड हो बट इतने डायमेंशन में आप अपने व्हीकल को निकाल करके मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपको मैन्यूवर स्पेस। उसके बाद आपको विथ ऑफ द व्हीकल हम लोग डिस्कस कर ही लिए थे कि 2.5 मीटर होता है, तो ये वाला जो स्पेस है ये 2.5 मीटर में आपका व्हीकल पार्क हो जाएगा। अब आता है बात कि अगर आपका ये टोटल स्ट्रेच जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पार्किंग लगाना है अगर आपका ये 100 मीटर्स का है तो इस 100 मीटर्स में आपको कितने ऐसे ग्रीन व्हीकल्स पार्क हो जाएंगे ये आपको कैसे पता चलेगा। तो अगर आपको ये टोटल एक का अगर इक्विवेलेंट स्पेस पता चल जाए कि सबका मीन स्पेस जो है वो इतना रिक्वायर्ड है तो आप टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय वो नंबर कर देंगे तो इससे आपको निकल जाएगा कि आपको कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स आएंगे। तो एक व्हीकल का जो हम लोगों को मैक्सिमम डायमेंशन जो लगता है पैरेलल पार्किंग में वो व्हीकल के डायमेंशन के बाद थोड़ा स्पेस बैक में भी देना पड़ता है थोड़ा स्पेस फ्रंट में भी देना पड़ता है ताकि व्हीकल थोड़ा सा बैक हो फिर वो आगे स्पेस मिलेगा तो फिर व्हीकल को कट करके इस डायरेक्शन में बाहर निकाल पाए। तो ये जो टोटल डायमेंशन रिक्वायर्ड होता है पैरेलल पार्किंग में ये होता है आपको 6.6 मीटर। ठीक है, तो जब आपको एक व्हीकल के लिए 6.6 मीटर रिक्वायर्ड है अगर आपको 100 मीटर के स्ट्रेच में अगर आपको निकालना है कि कितने व्हीकल्स पार्क होंगे तो आप क्या करेंगे नंबर ऑफ व्हीकल्स निकालने के लिए टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 6.6 कर देंगे तो इससे आपको निकल जाएगा कि पैरेलल पार्किंग इस केस में आपको कितना व्हीकल पार्क हो सकता है इस जोन में।
तो इस तरह से हम लोग स्टडी करके जो आपके इंजीनियर इंचार्ज होते हैं, जो डिजाइन इंजीनियर होते हैं हाईवे के, वो ये निकालते हैं कि अगर एक मार्केट प्लेस में 100 मीटर का अगर मार्केट है, उसमें अगर आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में पार्किंग्स लगाना है, तो पीक आवर में आप कितना व्हीकल एडजस्ट कर पाएंगे, तो पीक या किसी भी टाइम आप कितना एडजस्ट कर पाएंगे, तो टोटल स्ट्रेच डिवाइडेड बाई एक व्हीकल का जो लेंथ रिक्वायर्ड है। अब ये फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आ गया मान लीजिए 15 व्हीकल्स, तो अब आपको ये पता है कि 15 व्हीकल्स आपका मैक्सिमम इसमें एडजस्ट हो सकता है, इससे कम तो हो ही, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ज्यादा अब आपको स्पेस ही नहीं बचेगा, फिर वो आपको व्हीकल एक दूसरे में कोलाइड करेंगे। तो अब आपको पीक आवर का स्टडी करना पड़ता है कि पीक आवर जैसे आपके शहर में अगर 9 to 10 है, तो 9 to 10 AM के बीच में आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने व्हीकल्स उस एरिया में आते हैं, फिर कितने व्हीकल्स उस एरिया में आने के बाद स्टॉप होते हैं और कितने आपको मूव कर जाते हैं। तो एक एनालिसिस होगा आपको कितने व्हीकल आते हैं, फॉर एग्जांपल आपका निकला 100 व्हीकल्स आते हैं पीक आवर में एक एरिया में, वहां पे आपको सर्वे होगा, एक लोग स्टार्टिंग में रहेंगे, एक लोग आपको एंड में रहेंगे, वो इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे और नोट डाउन करेंगे। अब 100 में से जब उस पूरे पीक आवर में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने पार्क होते हैं, एक आदमी होगा जो इस ड्यूटी को करेगा कि कितने व्हीकल्स पार्क हुए, और फिर वो चले गए, तो जब वो पार्क होके चले गए तो वो 1 में काउंट हो गया, फिर उसके जगह पे दूसरा के पार्क हुआ वो चला गया तो वो 2 में काउंट हुआ। वैसे करके उन्होंने निकाला कि 60 व्हीकल्स जो है ये पार्क होते हैं, तो 60 व्हीकल्स जो पार्क होते हैं तो 15 अगर किसी को इस शॉप में काम है तो जरूरी नहीं है कि वो व्हीकल यहां लगाएगा तभी वो इस शॉप में जाएगा, वो व्हीकल को यहां लगा करके भी इस शॉप में जा सकता है। तो उस केस में आपका रिक्वायर्ड आ रहा है 15 व्हीकल्स एक साइड का, तो आप क्या नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि जब आप दोनों साइड पार्किंग लेंगे तो आपका वहां पे 30 व्हीकल्स ही पार्क हो पाएगा, दोनों साइड को आप ले लेते हैं तो भी, तो 30 व्हीकल्स पार्क हो पाएगा, तो इसका मतलब है कि आपको वहां पे टोटल 60 व्हीकल्स पार्क होते हैं बट वहां पे आपको टोटल 30 का ही स्पेस है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा जो अलाउबल हो पाएगा, अगर वो अलाउबल चेंजेस नहीं हो पाएगा तो वो मार्केट जो है वो थोड़ा क्राउडेड प्लेस रहेगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप व्हीकल का कहीं और बाहर साइड में, जब इस मार्केट प्लेस के बाहर में आप एक ऑफ स्ट्रीट पार्किंग को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब ऑन स्ट्रीट पार्किंग में टोटल आपका 30 आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको बाकी 30 व्हीकल जो पीक आवर में आएंगे तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाएगा, लेकिन बाकी जो आपका नॉन पीक आवर्स है जो 11 बजे दिन के बाद से लेकर शाम के 4 बजे तक का है, उसमें आपको हो सकता है कि टोटल 30 या 35 ही व्हीकल्स आ रहे होंगे, तो वो तो टोटल इस रोड में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन पीक आवर में क्या होगा वहां पर रश हो जाएगा, फिर जैम हो जाएगा। तो उसको हटाने के लिए आप मार्केट के बाहर एक स्पेस में आप पार्किंग बना सकते हैं और यहाँ आप एटलीस्ट 30 व्हीकल्स को एडजस्ट करने का आप स्पेस दे सकते हैं। तो ऐसे करके आपको सॉल्यूशंस निकालना पड़ता है कि आप ट्रैफिक सिचुएशन से किस तरह से बाहर आएंगे। तो इसके लिए आपको ये सारा एनालिसिस होता है, जिसके लिए आपको पार्किंग स्टडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आप जब सारे मूवमेंट को इंश्योर कर लेंगे, लेकिन अगर आप इस ट्रैफिक जैम को इंश्योर नहीं कर पाएंगे तो आपका सारा सिस्टम जो है वो फेलियर में काउंट होता है। तो सबसे पहला केस था पैरेलल पार्किंग। पैरेलल पार्किंग के लिए आपको L/6.6 ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यही आपको याद रखना है, यह आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएगा, इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा और इससे आपका थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है। न्यूमेरिकल इससे 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के बनेंगे नहीं, तो इसमें आपको पार्किंग स्टडीज में या तो व्हाट इज ऑफ स्ट्रीट पार्किंग या ऑन स्ट्रीट पार्किंग करके पूछा जा सकता है, या फिर पार्किंग स्टडीज के ऊपर ही आपको एक थ्योरी लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो पार्किंग स्टडीज में जब थ्योरी होगा तो दोनों पार्ट होंगे, दोनों के अंदर ये दोनों आपको थ्योरी में आएंगे और ये दोनों पैरेलल और एंगल भी आएंगे। तो जब आप इसमें सरफेस और मल्टी फ्लोर पार्किंग में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने को कुछ नहीं है, वो तो हम लोग बता दिए हैं कि या तो आपके पार्किंग लॉट में होगा या फिर आपका मल्टी फ्लोर पार्किंग होगा। लेकिन जब आप ऑन स्ट्रीट पार्किंग में आएंगे तो इसमें जो दो कॉन्सेप्ट है पैरेलल और एंगल, इसमें आपको ये डायग्राम्स कंपलसरी होंगे, डायग्राम के साथ ही आपको डायग्राम समझाना भी पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको फॉर्मूला भी बताना पड़ेगा कि सारे केसेस में आपको एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया हम लोगों का पैरेलल पार्किंग। इसमें हम लोगों को पता चल गया कि अगर हम लोग इक्वल स्पेस में व्हीकल्स लगा रहे हैं तो इस केस में हमारा टोटल डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड है ये 6.6 मीटर रिक्वायर्ड है, सारे के सेंटर टू सेंटर का ये डिस्टेंस है। अब विद आपका 2.5 मीटर है, मैनुअल स्पेस 6.2 मीटर है, तो जब 6.6 मीटर का मीन स्पेस रिक्वायर्ड है और 100 मीटर का अगर स्ट्रेच है, इसको हम लोग एल मान ले, तो एल डिवाइडेड बाई 6.6 आपका इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन जब आप इस केस में आते हैं जहां पे आपको दो व्हीकल्स को आप एक साथ अटैच करके लगाते हैं और उसके आगे और पीछे स्पेस छोड़ देते हैं, तो उस केस में दो व्हीकल्स का आपको जो टोटल होता है वो 10.8 रिक्वायर्ड होता है। तो इसका जो एक मीन स्पेस निकाला गया है, ये मीन स्पेस कि एक व्हीकल को कितना डिस्टेंस लगेगा वो थोड़ा ज्यादा हो गया इस केस में, वो हो गया 6.75 मीटर। इस केस में 6.6 मीटर था, इस केस में 6.75 मीटर सिंगल का रिक्वायर्ड होता है। तो उस केस में आपको ये टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई 6.75। तो ये एक फॉर्मूला हो गया आपको, ये दो फॉर्मूला हो गया, ये दोनों हो गया आपको पैरेलल पार्किंग के लिए।
अब आते हैं एंगल पार्किंग के ऊपर कि ये तो हो गया कि जब आप कर्व से बिल्कुल पैरेलली आप व्हीकल को लगा रहे हैं तो वो कहलाएगा पैरेलल पार्किंग। अब जब आप कर्व से, ये आपका कर्व है और आप इसे कुछ एंगल में व्हीकल इस तरह से लगा रहे हैं, पार्क कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका एंगल पार्किंग। अब ये कितना एंगल हो सकता है, ये आपको एंगल पार्किंग के केस में आपको बेसिकली चार टाइप्स के एंगल है, एक तो 30 डिग्री पार्किंग, दूसरा 45 डिग्री पार्किंग, तीसरा 60 डिग्री पार्किंग और चौथा है आपको 90 डिग्री पार्किंग। इन चार एंगल्स पे ही स्टैंडर्ड आपके सारे फॉर्मूलाज हैं। अब इससे बियॉन्ड आप अगर 5 डिग्री या 10 डिग्री पे लगाएंगे तो वो आपको पैरेलल पार्किंग में ही काउंट होगा। अब आप 30 नहीं लगा के एग्जैक्ट फिगर मेंटेन नहीं होता है कि 30 है या 35 है या 40 है, बट इसके हिसाब से जैसे आप 30 या 45 के हिसाब से निकालेंगे तो अक्सर आप देखेंगे कि जो आपके एक प्रॉपर पार्किंग सिस्टम होता है उसमें आपको रोड के किनारे आपको इस तरह से येलो साइंस बने हुए होते हैं जो आपको बताते हैं कि यहाँ पे व्हीकल आपके एडजस्ट होने वाले हैं। जब आप कहीं मॉल्स वगैरह में जाएंगे तो वहां पे आपको इस तरह से प्रॉपर पार्किंग बना रहेगा ग्राउंड रोड पे ही, आपको ये येलो से मार्क किया रहेगा, इससे पता चलेगा कि आपको व्हीकल जो है इस बॉक्स के अंदर लगाना है। तो जैसे आप इस बॉक्स के अंदर लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको ये 30 डिग्री ही हो जाएगा, अगर वो 30 डिग्री होगा तो ठीक है। तो इस तरह से ये इंश्योर किया जाता है कि 30 कब होगा, 45 कब होगा। वो आप जो रोड पे अगर आप इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, अगर आप सिर्फ प्लेन ऐसे एरिया छोड़ देंगे तो हो सकता है कि एक व्हीकल ऐसे लगेगी, हो सकता है एक व्हीकल ऐसे लग जाएगी और एक व्हीकल आपको हो सकता है दूसरी वाली में फिर आकर के ऐसे लग जाएगी। तो उस केस में फिर ये वाला फॉर्मूला से टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जितना रिक्वायर्ड होता है उतना फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इस केस में यहाँ पे आपको एक पार्किंग पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं जो आपके व्हीकल्स को गाइड करते हैं कि सारे व्हीकल्स आपको किस तरह से लगाने हैं। अगर उसको इंस्ट्रक्शन है कि 90 डिग्री का लगवाना है तो वो सारे व्हीकल्स को इस तरह से लगवाएगा। अगर उसको इंस्ट्रक्शन है कि 30 डिग्री का लगवाना है तो वो सारे व्हीकल्स को इस तरह से 30 डिग्री पे ही लगवाएगा। ठीक है, तो या तो आप रोड पे पेंट कर देंगे या फिर आप एक पार्किंग का अथॉरिटी पर्सन दे देंगे तो वो उसको इंश्योर करता है कि यहाँ पे किस तरह का पार्किंग होगा। अब किस तरह का पार्किंग होगा वो आपको उस मॉल के एंट्री में या किसी भी एरिया के एंट्री में कितने व्हीकल्स आते हैं ये, उसमें से पार्क कितने होते हैं वो पता चल जाएगा। उसके हिसाब से आप अपना कंडीशंस देख लीजिए कि किस कंडीशन के हिसाब से आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम पार्क हो जाता है। तो सबसे ज्यादा व्हीकल अगर आप नॉर्मल अपना अगर आप अपना नॉर्मली ब्रेन यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो 90 डिग्री वाला पार्किंग है इसमें आपको एक स्पेस में सबसे ज्यादा व्हीकल एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा कि किस टाइप के एंगल पार्किंग में या किस टाइप के पार्किंग में आपको मैक्सिमम व्हीकल्स एडजस्ट हो सकते हैं, तो वो है आपका 90 डिग्री का एंगल पार्किंग। ठीक है, किस में सबसे कम हो सकते हैं तो वो है आपको पैरेलल पार्किंग। पैरेलल पार्किंग में क्योंकि इसका लेंथ यूज होता है, 90 डिग्री पार्किंग में इसका विड्थ यूज होता है, विड्थ 2.5 है, लेंथ 6.6 है, तो ऑब्वियसली सबसे कम इस वाले केस में आएगा, सबसे ज्यादा इस वाले केस में आएगा 90 डिग्री वाले केस में। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है। दूसरा बन सकता है कि आपको डायरेक्टली पूछ देगा कि एक 45 डिग्री का पार्किंग है और उसमें आपको टोटल ये कंडीशंस बता देगा और बोलेगा कि आपको मैक्सिमम कितने व्हीकल एडजस्ट हो सकते हैं। तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इस फॉर्मूले से आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने पार्क हो सकते हैं। अब ये तो हो गया आपको 30 डिग्री वाले ये हो गया आपको पैरेलल पार्किंग का। अब जब एंगल पार्किंग में 30, 45, 60 और 90 डिग्री ये चार पार्किंग होते हैं, सबसे पहले हम लोग आते हैं 30 डिग्री वाले पार्किंग पे। इस पार्किंग वाले ड्राइंग में ये इमेज जो बना हुआ है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इमेज समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरह से बना है तो फिर आप अगर इसको एग्जाम में एक्सप्लेन भी करेंगे लेकिन आपका इमेज जो है वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं होगा तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप सिर्फ रफली इस ड्राइंग को बनाए हैं, आपको इसका आइडिया नहीं है। अब कैसे बताना है आइडिया क्या है, तो पहले ये समझिए कि जब आप एंगल पार्किंग की बात करते हैं तो आपका जो 90 डिग्री होता है इसमें एक व्हीकल को दूसरे व्हीकल से कोई मतलब नहीं होता है। इसका मैक्सिमम भी 2.5 मीटर यहाँ शो किया हुआ है, तो ये आएगा और ये पार्क हो जाएगा, इसको टोटल स्पेस कितना रिक्वायर्ड होगा 2.5 मीटर। उसी तरह से आपको थोड़ा सा आप यहाँ जो 2.5 है इसमें आपको टोटल गेट ओपन होने तक का सारा स्पेस जो है वो मेंटेन हो जाता है। तो 2.5 सबको रिक्वायर्ड है और सबको इंडिविजुअल रिक्वायर्ड है, तो इसलिए इस तरह का ड्राइंग बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ चाहे तो आप स्केल से अगर बनाएंगे तो आप ये जो स्पेसेस हैं आप इसको इक्वल दिखा देंगे तो वो और परफेक्ट हो जाएगा। ये 2.5 का होगा, ये कुछ गैप होगा, जैसे वो 1 मीटर है तो 1 मीटर होगा, फिर ये 2.5, ये 1, 2.5, ये 1, ये होगा। लेकिन जब आप 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री में आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका व्हीकल जब इंक्लाइंड लगता है तो कुछ पोर्शन आपका ओवरलैप होता है। जैसे अगर आप इस व्हीकल का टोटल देखेंगे कि ये आपको टोटल इस एज से लेकर के इस एज तक ये टोटल व्हीकल आपको पार्क हो रहा है, लेकिन जब दूसरा वाला व्हीकल पार्क हो रहा है तो वो यहां से पार्क हो रहा है यहां तक, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये आपको क्या हो जाना है, ओवरलैप हो जाना है। मतलब इतने डिस्टेंस में ही आपको दो व्हीकल्स पार्क्ड है, उसका टॉप का पोर्शन, इसका बॉटम का पोर्शन।
तो इस तरह से जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो आपको क्या होगा कि कुछ स्पेस, ये जो आपको जो ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप वाले स्पेसेस को हटाना पड़ता है, क्योंकि आपको इफेक्टिवली कितना स्पेस रिक्वायर्ड हुआ ये अब आपको निकालना है। तो टोटल लेंथ, तो यहां से अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में इफेक्टिवली कितना इसको लग रहा है, इस वाले व्हीकल के आगे से लेकर के इस वाले व्हीकल के आगे तक का, जो कि है 45 डिग्री के केस में 3.6 मीटर। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जितना भी था उसमें से आपको ये वाला पोर्शन माइनस करना पड़ा, तभी तो आपको इफेक्टिवली ये निकला कि ये आपको मेन स्पेस रिक्वायर्ड है। तब ना आप टोटल लेंथ को आप इस 3.6 से डिवाइड करेंगे, तभी तो आपको टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पता चलेगा कितना आएगा। तो अब ये ओवरलैप कितना है, तो ये सारे केसेस में आपको अलग अलग होता है। 30 डिग्री के केस में जब आप इस तरह से ओवरलैप कराएंगे तो ओवरलैप थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जब आप 45 डिग्री में लगाएंगे तो ओवरलैप थोड़ा सा ज्यादा होगा, और जब आप 60 डिग्री पे लगाएंगे तो ओवरलैप आप देख रहे होंगे यहाँ डायग्राम में कि ये स्पेस आपको ज्यादा दिख रहा है, यहाँ स्पेस थोड़ा कम था और यहाँ स्पेस देखेंगे तो बिल्कुल ही कम था ओवरलैप का। तो अब ओवरलैप कितना है ये ध्यान रखिए, 30 डिग्री के केस में 0.85 मीटर का ओवरलैप होता है, मतलब ये व्हीकल के फ्रंट से इस व्हीकल के बैक तक में जो ओवरलैप डिस्टेंस है ये आपको है 0.85 मीटर का। फिर जब आपका 45 डिग्री की बात होती है तो ये आपको 2 मीटर का है, और जब 60 डिग्री की बात होती है तो ये भी आपको 2 मीटर का ही है। तो मतलब 45 और 60 में 2 मीटर का ओवरलैप होता है, और बाकी जो रिक्वायर्ड होता है वो स्पेस यहाँ गिवन है 2.9 60 के केस में, 3.6 आपको 45 डिग्री के केस में। तो अब जब आपको पता चल गया कि 3.6 रिक्वायर्ड है तो आप टोटल लेंथ डिवाइड बाय 3.6 कर देंगे, लेकिन आपको ये 2 मीटर जो है ये जब आपका स्टार्ट है इसको तो आप एडजस्ट कर लिए क्योंकि आप 3.6 ही दे रहे हैं, तो जब आप टोटल लेंथ ले ही नहीं रहे हैं तो ये अब आपको यहां से ही काउंट कर रहा है। तो जब आप इस सारे को ऐड कर लेंगे तो लास्ट वाले व्हीकल का ये वाला जो पोर्शन है ये आपको वेस्टेज में आएगा। तो ये कितना है ओवरलैप के जितना है, ओवरलैप कितना है 2 मीटर है, तो आप लेंथ में से 2 मीटर पहले माइनस कर दीजिए, ये आपको आ गया एल इफेक्टिव। ये टोटल एल था, इसमें से 2 मीटर आप माइनस कर दिए ओवरलैप का, तो एल इफेक्टिव आ गया डिवाइडेड बाय 3.6 कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ व्हीकल्स आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। फिर इस केस में वही होगा, आप 2 मीटर ओवरलैप माइनस करेंगे, फिर उसके बाद एक का स्पेस कितना रिक्वायर्ड है 2.9 मीटर, तो ये 2.9 मीटर से डिवाइड करेंगे तो आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए ये डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है कि जब भी आप ये व्हीकल्स बनाएंगे तो इसका जो आगे का ये कॉर्नर है और इसका जो पीछे का ये वाला कॉर्नर है, ये अगर एक लाइन में नहीं आएगा तो फिर आपका ये जो ओवरलैप है ये इक्वल नहीं रह जाएगा। तो आपको इक्वल दिखाने के लिए हर व्हीकल के आगे का टॉप और हर व्हीकल के ये पीछे वाला ये वाला बॉटम, ये आपको एक लाइन में आना पड़ेगा, एक वर्टिकल लाइन में, तभी आपको ये डायग्राम जो है ये प्रॉपर कहलाएगा। इस केस में भी देखिए, ये आगे वाला लाइन है और ये आपका यहाँ पीछे वाला पॉइंट है, ये सारे आपको एक लाइन में है, तभी ये डायग्राम जो है आपका प्रॉपर बनेगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि ओवरलैप कितना है तीनों के केस में, तो फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा कि एल माइनस टू डिवाइड बाई 3.6 45 में, और जब 60 में आते हैं तो एल माइनस टू डिवाइड बाई 2.9 कैसे हो गया। तो ये हुआ कि आपको एंगल जितना स्टीप होता जाएगा स्पेस रिक्वायरमेंट कम होता जाएगा। 30 डिग्री में है तो 5.1 मीटर आप स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 45 डिग्री में आ रहे हैं तो 3.6 ऑक्यूपाई कर रहे हैं, थोड़ा सा कम हुआ उससे। जब आप 60 डिग्री में आ रहे हैं तो 3.6 के बदले 2.9 ले रहे हैं, और जब आप 90 डिग्री में आ रहे हैं तो सिर्फ 2.5 लग रहा है। तो जितना जितना आपका एंगल स्टीप होता जाएगा उतना उतना आपको आप जो टोटल आपका ये स्पेस ऑक्यूपाइड है वो आपका लेस होता जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ फॉर्मूला जो है ये एल माइनस 0.85 डिवाइडेड बाई 5.1 होगा, क्योंकि 5.1 इसको ये रिक्वायर्ड है। फिर इस वाले के केस में L माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3.6 होगा, और फिर नेक्स्ट वाला 60 डिग्री के केस में L माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2.9 होगा, और लास्ट वाले केस में L डिवाइडेड बाई डायरेक्टली 2.5 होगा। इसमें कोई ओवरलैप है नहीं, सबका अपना इंडिविजुअल पार्किंग है, इस तरह से ही आएगा, इस तरह से ही निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका L डिवाइडेड बाई 2.5 हो जाएगा। अब इन सारे चीजों के बाद, अच्छा ये लेंथ ऑफ द व्हीकल आपको दिया हुआ है 5.4 मीटर जो सारे ही केस में होगा, ये जो टोटल लेंथ है व्हीकल का तो वो स्टैंडर्ड हम लोग 5.4 मीटर पार्किंग के केस में कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग पार्किंग की बात कर रहे हैं तो मार्केट प्लेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें ट्रक पार्क नहीं होंगे ऐसा हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि मार्केट प्लेस है और पीक आवर है, इसका मतलब है कि ट्रक्स का नो एंट्री रहता है। तो जब ट्रक्स का नो एंट्री रहता है तो हम लोग ये स्टैंडर्ड जो व्हीकल हमारा है वो कार ही है, हम लोग कार को लेकर के ही हम लोग सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद आपका ये आपको समझ में आ गया होगा सारा एंगल पार्किंग क्या होता है, कि जब 30 होगा तो क्या चेंज हो रहा है, 45 में क्या चेंज हुआ, 60 में क्या हुआ, और 90 में क्या हो गया। अब आपको रह जाता है मैनुअल स्पेस, ये जो आप देख रहे हैं कि आपको इस केस में अगर आपका यहां से रोड बना हुआ है
ये एक साइड है और यहाँ पे आपको टोटल ये आपका इतना चौड़ा आपका अगर रोड है तो आपको ये व्हीकल इस तरह से अगर आप पार्क करना चाहेंगे 90 डिग्री में तो आपको ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होगा। और फिर जब आप इसको निकालना चाहेंगे, अगर आपका फेस आगे की तरफ है तो आप इसको बैक निकालेंगे और फिर आप इसको आगे की तरफ ले जाएंगे। तो ये जो टोटल स्पेस रिक्वायर्ड होता है 90 डिग्री के केस में वो आपको ज्यादा होता है। मैन्युअल स्पेस जो है ये 13 मीटर होता है इस केस में, 13 मीटर। इस केस में कितना होता है तो ये होता है आपको 11.6 मीटर। इस केस में कितना होता है 9.7 मीटर। मतलब जितना आप एंगल पार्किंग करते हुए पैरेलल की तरफ बढ़ेंगे मैनुअल स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अब इस केस में देखिए 90 डिग्री केस में क्या हुआ कि मैनुअल स्पेस को हम लोग एमएस लिखते हैं, ये आपको ग्रेटर है और पार्किंग का नंबर ऑफ व्हीकल्स एम जो है ये भी आपको ग्रेटर है। मतलब आप ज्यादा व्हीकल्स भी पार्क कर सकते हैं लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि आपको ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होगा। इस केस में क्या है कि थोड़ा सा आपको इसके कॉम्पिटिवली लेस हुआ नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो उसी हिसाब से आपको लेस हो गया आपको मैनुअल स्पेस भी, ये एन हो गया ये एमएस हो गया। फिर इस केस में भी आपको एन आपको रिड्यूस हुआ क्योंकि आपका टोटल जो आप पार कर पा रहे थे वो आपको 3.6 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 2.9 से, तो यहाँ इसका मतलब है कि एन भी लेस हो गया और यहाँ पे आपको एमएस भी आपको 11.6 के बदले 9.7 मीटर ही रिक्वायर्ड आ रहा है। तो आपको ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, हालांकि अभी तक नहीं पूछा गया है कि मैनुअल स्पेस किसमें ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो मैनुअल स्पेस भी आपको 90 डिग्री पार्किंग में ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। ये एक डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज नहीं है क्योंकि आपको 13 मीटर लग रहा है आपको व्हीकल को बैक करके निकालने में तो वो आपका डिसएडवांटेज में काउंट होगा। तो आपको पैरेलल पार्किंग का एडवांटेज क्या है कि मैनुअल स्पेस आपको सिर्फ 6.2 मीटर रिक्वायर्ड होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि आपको व्हीकल्स जो है वो लेस नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क्ड होंगे। फिर आप जब आएंगे एंगल पार्किंग में तो जितना स्टीप एंगल होगा उसका एडवांटेज क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो ज्यादा पार्क हो पाएंगे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि ये क्राउडेड स्पेसेस में जहां आपको विथ ऑफ जो आपका कैरिज वे वो ज्यादा नहीं होता है वहां पे आपको ये एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपको पार्किंग स्टडीज से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन। इससे बियॉन्ड आपको और कुछ नहीं आएगा पार्किंग स्टडीज में, या तो आपको थ्योरी आएगा 4 मार्क्स का तो आपको पार्किंग स्टडीज के दोनों टॉपिक्स को डिस्कस, आपको बोल देगा पार्किंग स्टडीज को एक्सप्लेन कीजिए तो आपको ऑफ स्ट्रीट ऑन स्ट्रीट दोनों एक्सप्लेन करना होगा। ऑफ स्ट्रीट में पहले आपको ये दोनों पार्ट और इसके थ्योरीज लिखने पड़ेंगे, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसमें से पढ़ लेंगे कि आपको सरफेस में और मल्टी स्टोरी में आपको क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट उसमें से पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। सेकेंड आप जब फिर जब ऑन स्ट्रीट डिस्कस करेंगे तो उसमें आप पहले पैरेलल के ये डायग्राम बनाएंगे, फॉर्मुला बताएंगे और थ्योरी के साथ डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या एडवांटेज होता है क्या डिसएडवांटेज होता है। और ऐसे ही आप करेंगे एंगल पार्किंग के केस में भी कि मैनुअल स्पेस आप दिखाएंगे, आप बताएंगे कि मैनुअल स्पेस जिसमें ज्यादा होते जा रहा है ये डिसएडवांटेज है और नंबर ऑफ व्हीकल्स ज्यादा पार्क होते जा रहे हैं ये आपका एडवांटेज है। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आने के लिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये फॉर्मुला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए क्योंकि वहां पे आपको इतना डायग्राम बनाने का टाइम नहीं होता है, एक मिनट में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट होता है, तो उसमें आप इतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट करेंगे तो भी आपको ये 2.9 और 3.6 चीज सब याद ही रखना पड़ता है। तो बेटर है कि आप डायरेक्टली फॉर्मुला को समझ चुके हैं कैसे बना, एल माइनस टू क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ में आ गया, एल माइनस 0.85 इसके इसमें क्यों किए थे ये भी आपको समझ में आ गया, ये सारा आपको ओवरलैप वाला स्पेस है तो ये माइनस की डिवाइड बाय 5.1 की आपको नंबर ऑफ व्हीकल्स निकल गया। इससे आपको गेट में भी क्वेश्चन आता है, इससे आपको एसएससी जेई में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सीडेंटल स्टडीज के बारे में। ये तो था आपको पार्किंग स्टडीज।